नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है आखिर क्यों युधिष्ठिर सहित पांडवों को जाना पड़ा था नरक और दुर्योधन आदि कौरवों को मिला था स्वर्ग। धर्म वो साधन है जो उस पर चलता है उसे स्वर्ग ले जाता है, बिना धर्म के स्वर्ग नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर आपको धर्म को समझना है तो शास्त्र या धर्म को अध्ययन करिए। आपको यह कुछ विसंगत लग रहा है तो जान लें कि ऐसी ही एक विसंगति महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में हुई थी। युधिष्ठिर को छोड़ सभी पांडव और द्रौपदी बीच रास्ते में ही प्राण छोड़ चले थे, लेकिन युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुँचे। वहाँ उन्होंने जब अपने भाइयों को नहीं पाया और दुर्योधन दुशासन आदि को स्वर्ग में मजे करते हुए देखा तो उन्हें क्रोध आया। ऐसे में उन्होंने देवराज से कहा कि मैं इसे देखना भी नहीं चाहता, मुझे मेरे भाइयों के पास ले चलो। तब देवताओं ने कहा कि यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, ये आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उन दो देवदूत के साथ चला गया। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गए जो बहुत खराब था। उस मार्ग पर घोर अंधकार था, उसके चारों ओर से दुर्गंध आ रही थी, इधर उधर शव पड़े हुए दिखाई दे रहे थे, लोहे की चौंच वाले कौए और गिद्ध मंडरा रहे थे। वह असीपत्र नामक नरक था। वहाँ के दुर्गंध से परेशान होकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना है और मेरे भाई कहाँ हैं। युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत बोले कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो आपको हम वापस स्वर्ग ले आएं, यदि आप थक गए हों तो हम पुनः लौट चलते हैं। कुछ सोचकर युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज़ सुनाई दी। वह युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कहते रहे थे कि हे कुंती नंदन, आपके आने से हमें सुकून मिला है, अतः आप कुछ देर और यहीं रुक जाइए। युधिष्ठिर ने जब उनसे उनका परिचय जाना तो उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव व द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। यह सुनकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ और सोचने लगे कि मेरे भाइयों और द्रौपदी ने ऐसा कौन सा पाप किया था जो इन्हें नरक देखना पड़ रहा है। बहुत दुखी होकर युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि तुम पुनः देवताओं के पास लौट जाओ, क्योंकि मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम और दुर्गंधयुक्त स्थान पर ही रहूँगा। देवदूतों ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बता दी। युधिष्ठिर को उस स्थान पर अभी एक मुहूर्त बीता ही था कि सभी देवता वहाँ आ गए। देवताओं के आते ही वहाँ सुगंधित हवा चलने लगी, मार्ग पर प्रकाश छा गया। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था, इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ देर नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहाँ तुम्हारे भाई व अन्य वीर पहले ही पहुँच गए हैं। युधिष्ठिर ने तब इंद्र से दुर्योधन, दुशासन आदि के पापी होने पर भी स्वर्ग में भोग पाने का कारण पूछा। तब इंद्र ने कहा कि जिन लोगों के पाप ज़्यादा होते हैं उन्हें पहले स्वर्ग ही मिलता है। हालांकि दुर्योधन आदि कौरव पापी थे, लेकिन उन्होंने युद्ध में पीठ नहीं दिखाई और क्षत्रिय धर्म निभाया था, उसी के पुण्य से उन्हें पहले स्वर्ग मिला और बाद में वो निश्चित रूप से नरक में तपाए जाएंगे। जिनके पुण्य ज़्यादा होते हैं उनको उनके छोटे मोटे पापों के लिए पहले नरक दिखाया भर जाता है ताकि वो आगे सचेत रहें। उन्हें अनुपम लोक की प्राप्ति होती है जैसे बाकी पांडवों को चुकी थी। अब आप भी उनके पास जाइए और अक्षय दिव्य लोगों को का भोग उठाइए। पापियों को पहले स्वर्ग में सुख मिलता है, बाद में उनके पापों की पीड़ा जिससे उन्हें स्वर्ग के सुख याद रहें, और अंत में नरकों की पीड़ा से उन्हें अपने अगले जन्मों में याद रहे कि अच्छे कर्म ही करने हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी कहानी, कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की